नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ही आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं यूरो यूएसडी का ऊपर बेस करके एक लाइव वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं या फॉरेक्स में स्टार्ट करने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफ़ी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। जैसे हम लोग को सबको पता है मार्केट में हर रोज़ काफ़ी सारा कॉल बनता है जिसमें से कुछ कॉल ही अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन इस मार्केट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग मैटर होता है, जो कौन सा कॉल में हम लोग को ट्रेड करना चाहिए एंड कौन सा कॉल में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो अभी मेरा सामने जो यूरो यूएसडी का लाइव परफॉर्मेंस चल रहा है, देखिए आपको यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का एरो दिखाई दे रहा है ये आपका सिग्नल है। तो जब भी कोई सिग्नल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाएगा। सिग्नल हमेशा कंफर्म होता है कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू में, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता है तब तक कॉल कंफर्म नहीं होगा, और जैसे कैंडल क्लोज होकर नेक्स्ट कैंडल बन जाएगा उसका बाद कॉल रिपेंड भी नहीं होगा। बहुत सारे इंडिकेटर आप देखे होंगे सिग्नल आने के बाद अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो सिग्नल गायब हो जाता है, बट हम लोग का यहाँ पर सिग्नल आने के बाद एक बार फिक्स्ड हो गया तो सिग्नल और रिपेंड नहीं होने वाला है। अब क्वेश्चन ये है, जो ये जो बाय का कॉल यहाँ पर बना है बाकी क्या ये स्ट्रॉन्ग कॉल है या फेक कॉल है, हम लोग को पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशन पे ध्यान देना है। जैसा बाइंग का टाइम मिडिल में आपको एक लाइन दिखाई देगा जो ग्रीन होके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका ट्रेंड लाइन है। बाइंग का टाइम इस लाइन का कलर को ग्रीन होना चाहिए, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, बाय का कॉल का पहले देखिए आपको यहाँ पर एक ब्लू कलर का डॉट लाइन दिखाई देगा जो ब्लू लाइन कंटिन्यू कर रहा है, तो ये आपका सेकेंड कंडीशन है, ये भी ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। और एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, आपको चार्ट के अंदर एक व्हाइट और एक येलो लाइन दिखाई देगा। बाइंग का टाइम व्हाइट लाइन येलो लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा और सेलिंग की तरफ जनरली वो व्हाइट लाइन येलो लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाता है। तो ये जो बाय का कॉल आपका सामने बना है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट उसी कैंडल पे व्हाइट लाइन येलो लाइन को ब्रेक करके ऊपर मूवमेंट कर चुका है। तो ये तीन बेसिक कंडीशन आपको फॉलो करना है एंट्री लेने का पहले। तो मैं कंडीशन को और एक बार रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी सिंपल है। सिग्नल जैसे ही बनेगा आपका पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको तीन पैरामीटर को चेक करना है, जो ब्लू डॉट का साथ नीचे वाला लाइन ब्लू में कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं, मिडिल का लाइन का कलर ग्रीन है या नहीं, एंड व्हाइट लाइन येलो लाइन को ब्रेक करके ऊपर मूवमेंट किया है कि नहीं। अगर ये तीन कंडीशन मैच होता है तभी जाके इस कॉल को हम लोग स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। तो ये काफ़ी परफेक्ट कॉल था। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस वन, ये आपका मिनिमम फर्स्ट टारगेट है जो आपको हिट किया है, रेजिस्टेंस टू को भी हिट किया है। अभी रेजिस्टेंस थ्री का वैल्यू आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है, जो अभी तक उतना मार्केट गिया नहीं है, बट पोजीशन का हिसाब से मार्केट अभी भी अप ट्रेंड है। राइट साइड में देखिए आपको शो कर रहा है दिस इज द स्ट्रॉन्ग अप, मोर देन 80% मार्केट में बायर्स है। तो अभी भी एक चांसेस है जो मार्केट ये रेजिस्टेंस थ्री तक ले जाए, अदरवाइज आप इसका पहले कहीं पर भी अपना पोजिशन को निकाल सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं नॉट ओनली फॉर यूरो यूएसडी, आप इसमें गोल्ड में भी काम कर सकते हैं, इंडियन मार्केट में भी काम कर सकते हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिए, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। और इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियो देखना है या मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।